तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कनफू हसल मूवी के बारे में कनफ़ू हसल मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कनफ़ू हसल मूवी के फ़ैन हैं सो तो अगर आप भी कणफ़ू हसल मूवी को देखना चाहते हो तो आज का इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किनफू हसल मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएँगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आई पर कितना रेटिंग Uh, कुफ़ू हसल मूवी को मिला हुआ है एंड कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में हम इस मूवी के बारे में बताएँगे साथ ही साथ ही के साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी के जो टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कनफू असल मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्ों लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं फुल डिटेल में आपको पता चल पाएगा कितने बजट में कणफू हसल को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन चौ ने स्टीफन चौ एक हांगकांग फिल्म मेकर हैं जिन्होंने के वेल नोन फिल्म शाओलिन सॉकर और कनफू हसल को बनाया है स्क्रीन प्ले लिखा है कनफू हसल मूवी का स्टीफन चौ ने हू एग्जिन ने चैन मैन क्योंग ने एंड टसांग कान च्योंग ने स्टोरी लिखी है खुनफू असल मूवी के स्टीफन चौ ने प्रोड्यूस भी इस मूवी को किया है स्टीफन चौ ने पो चू चू ने जेफरे लाओ ने एंड जेम्स वांग ने और इस मूवी में लीडिंग रोल पर भी आपको स्टीफन चौ देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डैनी चैन देखने को मिल जाते हैं जुएन वाह देखने को मिल जाते हैं जून कोई देखने को मिल जाते हैं एबा हुआंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कुंडफू हसल मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है पून हैंग सेंग ने और एडिट किया है इस मूवी को एन लैम ने म्यूजिक किया है कुंडफू हसल मूवी का रेमोंड वांग ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स फिल्म प्रोडक्शन एरिया स्टार ओवरसीज बेजिंग फिल्म स्टूडियोज़ तहाई फिल्म इन्वेस्टमेंट चाइना फिल्म ग्रुप हुआई ब्रदर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया कनफू हासिल मूवी को हुआई ब्रदर्स ने Columbia ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी थ्री दिसंबर टू थाउजेंड फोर रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी एट मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी का बजट ट्वेंटी मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने वन हंड्रेड फोर पॉइंट नाइन मिलियन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात की जाए करैक्टर्स की बात की जाए तो लीडिंग रोल में स्टीफन चौ ने सिंह का कैरेक्टर निभाया है डैनी चैन क्वॉक क्वार ने ब्रदर सम का कैरेक्टर निभाया है जवीन कोई ने दैंड लेडी का करेक्टर निभाया है यून वाह ने लैंड लॉर्ड ऑफ फिक्सटी एल का कैरेक्टर निभाया है ल्यूंग सुई लंग ने द बीस्ट का कैरेक्टर कनफू हसल मूवी में निभाया है उसके आगे भी काफ़ी आपको कोएक्ट्रेस इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे इस मूवी का जॉनर एक्शन और कॉमेडी मूवी है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है और ख़ास तौर पर चाइनीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है स्टीफन चौ ने डायरेक्ट किया है लीडिंग रोल में भी वही देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है डायरेक्शन के साथ साथ कमाल का एक्टिंग भी आपको उनका इस मूवी में देखने को मिल जाएगा को एक्टर्स का भी अच्छा काम आप आपू हसल मूवी में देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया अच्छी स्टोरी है इस मूवी की यह मूवी टेंथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हाइस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन लैंग्वेज की फ़िल्म है जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू में काफ़ी अच्छा अर्निंग बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था बड़ी मूवीज़ में इसका नेम आता है आई रेटिंग की बात की जाए तो कणफ़ू हसल मूवी को आई पर सेवन पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला हुआ है लगभग वन लैक फोर्टी फाइव थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है कुणफ़ू हसल मूवी को इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो एंड एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी एंड एक दो और ही प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको यह मूवी मिल जाएगी तो जरूर से देख लेना काफ़ी अच्छा मूवी है आपको जरूर से पसंद आएगा आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुंडफू हसल मूवी के बारे में कनफू हसल मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कनफ़ू हसल मूवी के फ़ैन हैं सो तो अगर आप भी कनफ़ू हसल मूवी को देखना चाहते हो तो आज का इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कुंडफू हसल मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आईएमडीबी पर कितना रेटिंग कुनफू हसल मूवी को मिला हुआ है एंड कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में हम इस मूवी के बारे में बताएँगे साथ ही साथ ही के साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी के जो टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कण्फू असल मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्ों ने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं फुल डिटेल में आपको पता चल पाएगा कितने बजट में कण्फू असल को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन चौह ने स्टीफन चौह एक हांगकांग फिल्म मेकर हैं जिन्होंने के वेल नोन फिल्म शाओलिन सॉकर और कनफू हसल को बनाया है स्क्रीन प्ले लिखा है कनफू हसल मूवी का स्टीफन स्टीफन चौ ने एग्जिन ने चैन मैन क्योंग ने एडिट कान च्योंग ने स्टोरी लिखी है गुनफू असल मूवी के स्टीफन चौ ने प्रोड्यूस भी इस मूवी को किया है स्टीफन चौ ने पो चू चू ने जेफरे लाउ ने एंड जेम्स वांग ने और इस मूवी में लीडिंग रोल पर भी आपको स्टीफन चौ देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डैनी चैन देखने को मिल जाते हैं जुन वाह देखने को मिल जाते हैं जुन कोई देखने को मिल जाते हैं एबा हुआंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनाइटोग्राफी की बात की जाए तो कुंडफू हसल मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है पून हैंग सेंग ने और एडिट किया है इस मूवी को एनसी लैम ने म्यूज़िक किया है कुंडफू हसल मूवी का रेमोंड वांग ने प्रोडक्शन कंपनी है इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स फिल्म प्रोडक्शन एरिया स्टार ओवरसीज बेजिंग फिल्म स्टूडियोज़ तहाई फिल्म इन्वेस्टमेंट चाइना फिल्म ग्रुप हुआई ब्रदर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया कनफू हासिल मूवी को हुआई ब्रदर्स ने कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी थ्री दिसंबर टू थाउजेंड फोर रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी एट मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी का बजट ट्वेंटी मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने वन हंड्रेड फोर पॉइंट नाइन मिलियन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था कास्ट की बात की जाए करैक्टर्स की बात की जाए तो लीडिंग रोल में स्टीफन चौ ने सिंह का कैरेक्टर निभाया है डैनी चैन क्वार क्वार ने ब्रदर सम का कैरेक्टर निभाया है जुइन कोई ने दैंड लेडी का कैरेक्टर निभाया है जुइन वाह ने लैंड लॉर्ड ऑफ फिक्सटी एल का कैरेक्टर निभाया है लियंग सुई लंग ने द बीस्ट का करेक्टर कनफू हसल मूवी में निभाया है उसके आगे भी काफ़ी आपको कोएक्ट्रेस इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे इस मूवी का जॉनर एक्शन और कॉमेडी मूवी है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है और ख़ास तौर पर चाइनीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है स्टीफन चो ने डायरेक्ट किया है लीडिंग रोल में भी वही देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है डायरेक्शन के साथ साथ कमाल का एक्टिंग भी आपको उनका इस मूवी में देखने को मिल जाएगा को एक्टर्स का भी अच्छा काम आप हसल मूवी में देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया अच्छी स्टोरी है इस मूवी की यह मूवी टेंथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हाईएस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन लैंग्वेज की फ़िल्म है जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2004 में काफ़ी अच्छा अर्निंग बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था बड़ी मूवीज़ में इसका नेम आता है आई रेटिंग की बात की जाए तो कनफ़ू हसल मूवी को आई पर सेवन पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला हुआ है लगभग वन लैक फोटी फाइव थाउजेंट लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है खनफू हसल मूवी को इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी एंड एक दो और ही प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको यह मूवी मिल जाएगी तो ज़रूर से देख लेना काफ़ी अच्छा मूवी है आपको जरूर से पसंद आएगा आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कनफू हसल मूवी के बारे में कनफू हसल मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कनफू हसल मूवी के फैन हैं सो so, अगर आप भी कनफ़ो हसल मूवी को देखना चाहते हो तो आज का इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हसल मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आई पर कितना रेटिंग कुनफू असल मूवी को मिला हुआ है एंड कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में हम इस मूवी के बारे में बताएंगे साथ ही साथ ही के साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी के जो टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कनफू असल मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया इस मूवी को किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं फुल डिटेल में आपको पता चल पाएगा कितने बजट में कण्फू हसल को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कणफू हसल मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन चौह ने स्टीफन चौह एक हांगकांग फिल्म मेकर हैं जिन्होंने के वेल नोन फिल्म शाओलिन सॉकर और कणफू हसल को बनाया है स्क्रीन प्ले लिखा है कनफू हसल मूवी का स्टैफन स्टीफन चौ ने हू एग्जिन ने चैन मैन क्यूंग ने एंड टसांग कान च्योंग ने स्टोरी लिखी है कनफू असल मूवी के स्टीफन चौ ने प्रोड्यूस भी इस मूवी को किया है स्टीफन चौ ने पो चू चू ने जेफरे लाउ ने एंड जेम्स वांग ने और इस मूवी में लीडिंग रोल पर आपको स्टीफन चौ देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डैनी चैन देखने को मिल जाते हैं जुएन वाह देखने को मिल जाते हैं जून कोई देखने को मिल जाते हैं ऐबा हुआंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कुंडफू हसल मूवी में समाइटोग्राफी की है पून हैंग सेंग ने और एडिट किया है इस मूवी को एनजी सी लैम ने म्यूज़िक किया है कनफू हसल मूवी का रेमंड वांग ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स फिल्म प्रोडक्शन एरिया स्टार ओवरसीज बेजिंग फिल्म स्टूडियोज़ तहाई फिल्म इन्वेस्टमेंट चाइना फिल्म ग्रुप हुआई ब्रदर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया कणफू हासिल मूवी को हुआई ब्रदर्स ने कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का ट्वेंटी थ्री दिसंबर टू थाउजेंड फोर रनिंग टाइम में इस मूवी का 98 मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कनफू हसन मूवी का बजट 20 मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने 104.9 मिलियन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था कास्ट की बात की जाए करेक्टर्स की बात की जाए तो लीडिंग रोल में स्टीफन चो ने सिंह का कैरेक्टर निभाया है डैनी चैन क्वार ने ब्रदर सम का करैक्टर निभाया है जुवेन कोई ने दैंड लेडी का करैक्टर निभाया है जुवेन वाह ने लैंड लॉर्ड ऑफ फिक्सटी एले का करैक्टर निभाया है ल्यूंग सुई लंग ने द बीस्ट का करैक्टर कनफू हसल मूवी में निभाया है उसके आगे भी काफ़ी आपको कोएक्ट्रेस इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे इस मूवी का जॉनर एक्शन कॉमेडी मूवी है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है और ख़ास तौर पर चाइनीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है स्टीफन चौ ने डायरेक्ट किया है लीडिंग रोल में भी वही देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है डायरेक्शन के साथ साथ कमाल का एक्टिंग भी आपको उनका इस मूवी में देखने को मिल जाएगा को एक्टर्स का भी अच्छा काम आप कनफो हसल मूवी में देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया अच्छी स्टोरी है इस मूवी की यह मूवी टेंथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हाईएस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन लैंग्वेज की फिल्म है जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2004 में काफ़ी अच्छा अर्निंग बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था बड़ी मूवीज में इसका नेम आता है आई रेटिंग की बात की जाए तो कणफू हसल मूवी को आई पर सेवन पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला हुआ है लगभग वन लैक फोर्टी फाइव थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है कुण्फू हसल मूवी को इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी एंड एक दो और ही प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको यह मूवी मिल जाएगी तो ज़रूर से देख लेना काफ़ी अच्छा मूवी है आपको जरूर से पसंद आएगा आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुंडफू हसल मूवी के बारे में कुंडफू हसल मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कुंडफू हसल मूवी के फ़ैन हैं सो तो अगर आप भी कुंडफू हसल मूवी को देखना चाहते हो तो आज का इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कुफु हसल मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आई पर कितना रेटिंग Uh, कुफ़ू हसल मूवी को मिला हुआ है एंड कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में हम इस मूवी के बारे में बताएँगे साथ ही साथ ही के साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी के जो टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कनफू असल मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया इस मूवी को किन्ों लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं फुल डिटेल में आपको पता चल पाएगा कितने बजट में कुंडफू हसल को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कुंडफू हसल मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन चौ ने स्टीफन चौ एक हांगकांग फिल्म मेकर हैं जिन्होंने के वेल नोन फिल्म शाओलिन सॉकर और कनफू हसल को बनाया है स्क्रीन प्ले लिखा है कनफू हसल मूवी का स्टीफन चौ ने हु एग्जिन ने चैन मैन क्योंग एंड टसांग कान च्योंग स्टोरी लिखी है कनफू असल मूवी की स्टीफन चौ ने प्रोड्यूस भी इस मूवी को किया है स्टीफन चौ ने पो चू चू ने जेफरे लाओ ने एंड जेम्स वांग ने और इस मूवी में लीडिंग रोल पर भी आपको स्टीफन चौह देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डैनी चैन देखने को मिल जाते हैं जून वाह देखने को मिल जाते हैं जुन कोई देखने को मिल जाते हैं एबा हुआंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैमायटोग्राफी की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी में सैनैटोग्राफी की है पून हैंग सेंग ने और एडिट किया है इस मूवी को एनजी लैम ने म्यूजिक किया है कनफू हसल मूवी का रेमोंड वांग ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स फिल्म प्रोडक्शन एरिया स्टार ओवरसीज बेजिंग फिल्म स्टूडियोज़ तहाई फिल्म इन्वेस्टमेंट चाइना फिल्म ग्रुप हुआई ब्रदर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया कनफू हसल मूवी को हुआई ब्रदर्स ने कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी थ्री दिसंबर टू थाउजेंड फोर रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी एट मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कुफू हसल मूवी का बजट ट्वेंटी मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने वन हंड्रेड फोर पॉइंट नाइन मिलियन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात की जाए करेक्टर्स की बात की जाए तो लीडिंग रोल में स्टीफन चौ ने सिंह का कैरेक्टर निभाया है डैनी चैन क्वाक, क्वार ने ब्रदर सम का कैरेक्टर निभाया है जवीन कोई ने दैंड लेडी का कैरेक्टर निभाया है यूएन वाह ने लैंड लॉर्ड ऑफ फिक्सटी एले का कैरेक्टर निभाया है सुई लंग नेता बीस्ट का कैरेक्टर कनफू हसल मूवी में निभाया है उसके आगे भी काफ़ी आपको कोएक्ट्रेस इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे इस मूवी का जॉनर एक्शन और कॉमेडी मूवी है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है और ख़ास तौर पर चाइनीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है स्टीफन चौ ने डायरेक्ट किया है लीडिंग रोल में भी वही देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है डायरेक्शन के साथ साथ कमाल का एक्टिंग भी आपको उनका इस मूवी में देखने को मिल जाएगा को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप कुंडफू हसल मूवी में देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया अच्छी स्टोरी है इस मूवी की यह मूवी टेंथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हाइस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन लैंग्वेज की फ़िल्म है जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2004 में काफ़ी अच्छा अर्निंग बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था बड़ी मूवीज़ में इसका नेम आता है आई रेटिंग की बात की जाए तो कणफू हसल मूवी को आई पर सेवन पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला हुआ है लगभग वन लैक फोर्टी फाइव थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है कनफू हसल मूवी को इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो एंड एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी एंड एक दो और ही प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको यह मूवी मिल जाएगी तो जरूर से देख लेना काफ़ी अच्छा मूवी है आपको जरूर से पसंद आएगा आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कनफू हसल मूवी के बारे में कनफो हसल मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कनफ़ू हसल मूवी के फ़ैन हैं सो तो अगर आप भी कनफ़ू हसल मूवी को देखना चाहते हो तो आज का इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किनफू हसल मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आई पर कितना रेटिंग कुनफू हसल मूवी को मिला हुआ है एंड कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में हम इस मूवी के बारे में बताएंगे साथ ही साथ ही के साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी के जो टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कणफ़ू हसल मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्हाँने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं फुल डिटेल में आपको पता चल पाएगा कितने बजट में कण्फू हसल को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कनफू असल मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन चौह ने स्टीफन चौह एक हांगकांग फिल्म मेकर हैं जिन्होंने के वेल नोन फिल्म शाओलिन सॉकर और कनफू हसल को बनाया है स्क्रीन प्ले लिखा है कनफू हसल मूवी का स्टीफन स्टीफन चौ ने एग्जिन ने चैन मैन क्योंगने एंड टसांग कान ने स्टोरी लिखी है खुनफू असल मूवी के स्टीफन चौ ने प्रोड्यूस भी इस मूवी को किया है स्टीफन चौ ने पो चू चू ने जेफरे लाओ ने एंड जेम्स वांग ने और इस मूवी में लीडिंग रोल पर आपको स्टीफन चौ देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डैनी चैन देखने को मिल जाते हैं जून वाह देखने को मिल जाते हैं जुन कोई देखने को मिल जाते हैं एबा हुआंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कुंडफू हसल मूवी में समाइटोग्राफी की है पून हैंग सेंग ने और एडिट किया है इस मूवी को एनसी लैम ने म्यूज़िक किया है कुंडफू हसल मूवी का रेमोंड वांग ने प्रोडक्शन कंपनीज़ से इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स फिल्म प्रोडक्शन एरिया स्टार ओवरसीज बेजिंग फिल्म स्टूडियोज़ तहाय फिल्म इन्वेस्टमेंट चाइना फिल्म ग्रुप हुआ ब्रदर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया कनफू हासिल मूवी को हुआई ब्रदर्स ने कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी थ्री दिसंबर टू थाउजेंड फोर रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी एट मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी का बजट ट्वेंटी मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने वन हंड्रेड फोर पॉइंट नाइन मिलियन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था कास्ट की बात की जाए करैक्टर्स की बात की जाए तो लीडिंग रोल में स्टीफन चौ ने सिंह का कैरेक्टर निभाया है डैनी चैन क्वाक, क्वार ने ब्रदर सम का कैरेक्टर निभाया है जुइन कोई ने दैंड लेडी का कैरेक्टर निभाया है जुइन वाह ने लैंड लॉर्ड ऑफ फिक्सटी एल का कैरेक्टर निभाया है लियोंग सुई लंग ने द बीस्ट का करेक्टर कनफू हसल मूवी में निभाया है उसके आगे भी काफ़ी आपको कोएक्ट्रेस इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे इस मूवी का जॉनर एक्शन और कॉमेडी मूवी है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है और ख़ास तौर पर चाइनीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है स्टीफन चो ने डायरेक्ट किया है लीडिंग रोल में भी वही देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है डायरेक्शन के साथ साथ कमाल का एक्टिंग भी आपको उनका इस मूवी में देखने को मिल जाएगा को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप हसल मूवी में देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया अच्छी स्टोरी है इस मूवी की यह मूवी टेंथ हाइस्ट ग्रॉसिंग हाइस्ट ग्रॉसिंग फॉरन लैंग्वेज की फ़िल्म है जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2004 में काफ़ी अच्छा अर्निंग बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था बड़ी मूवीज़ में इसका नेम आता है आई रेटिंग की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी को आई पर सेवन पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला हुआ है लगभग वन लैक फोर्टी फाइव थाउजेंट लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है खनफू हसल मूवी को इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी एंड एक दो और प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको यह मूवी मिल जाएगी तो ज़रूर से देख लेना काफ़ी अच्छा मूवी है आपको ज़रूर से पसंद आएगा आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कनफू हसल मूवी के बारे में कनफू हसल मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कनफ़ू हसल मूवी के फ़ैन हैं सो so, अगर आप भी गणफ़ हसल मूवी को देखना चाहते हो तो आज का इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किनफो हसल मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आई पर कितना रेटिंग कुनफू असल मूवी को मिला हुआ है एंड कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में हम इस मूवी के बारे में बताएंगे साथ ही साथ ही के साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी के जो टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कनफू असल मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया इस मूवी को किन्नों ने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं फुल डिटेल में आपको पता चल पाएगा कितने बजट में कणफ़ू हसल को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कणफू हसल मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन चौ ने स्टीफन चौह एक हॉन्गकॉन्ग फिल्म मेकर हैं जिन्होंने के वेल नोन फिल्म शाओलिन सॉकर और कनफू हसल को बनाया है स्क्रीन प्ले लिखा है कनफू हसल मूवी का स्टैफन स्टीफन चौ ने एग्जिन ने चैन मैन क्योंग ने एंड टसांग कान च्योंग ने स्टोरी लिखी है कनफू असल मूवी के स्टीफन चौ ने प्रोड्यूस भी इस मूवी को किया है स्टीफन चौ ने पो चू चू ने जेफरे लाउ ने एंड जेम्स वांग ने और इस मूवी में लीडिंग रोल पर भी आपको स्टीफन चौ देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डैनी चैन देखने को मिल जाते हैं यूएन वाह देखने को मिल जाते हैं जून कोई देखने को मिल जाते हैं एबा हुआंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी में सैनाइटोग्राफी की है पून हैंग सैंग ने और एडिट किया है इस मूवी को एन सी लैम ने म्यूजिक किया है कणफू हसल मूवी का वांग ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स फिल्म प्रोडक्शन एरिया स्टार ओवरसीज बेजिंग फिल्म स्टूडियोज़ तहाय फिल्म इन्वेस्टमेंट चाइना फिल्म ग्रुप हुआई ब्रदर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया कणफू हासिल मूवी को हुआई ब्रदर्स ने कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी थ्री दिसंबर टू थाउजेंड फोर रनिंग टाइम में इस मूवी का नाइन्टी एट मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी का बजट ट्वेंटी मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने वन हंड्रेड फोर पॉइंट नाइन मिलियन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था कास्ट की बात की जाए करैक्टर्स की बात की जाए तो लीडिंग रोल में स्टीफन चौ ने सिंह का कैरेक्टर निभाया है डैनी चैन क्वाक क्वार ने ब्रदर सम का कैरेक्टर निभाया है जुवेन कोई ने लैंड लेडी का कैरेक्टर निभाया है जुवेन वाह ने लैंड लॉर्ड ऑफ फिक्सटी एले का कैरेक्टर निभाया है ल्यूंग सुई लंग ने द बीस्ट का कैरेक्टर कनफू हसल मूवी में निभाया है उसके आगे भी काफ़ी आपको कोएक्ट्रेस इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे इस मूवी का जॉनर एक्शन कॉमेडी मूवी है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है और ख़ास तौर पर चाइनीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है स्टीफन चौ ने डायरेक्ट किया है लीडिंग रोल में भी वही देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है डायरेक्शन के साथ साथ कमाल का एक्टिंग भी आपको उनका इस मूवी में देखने को मिल जाएगा को एक्टर्स का भी अच्छा काम आप आपू हसल मूवी में देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया अच्छी स्टोरी है इस मूवी की यह मूवी टेंथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हाईएस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन लैंग्वेज की फ़िल्म है जब यह मूवी रिलीज हुई थी 2004 में काफ़ी अच्छा अर्निंग बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था बड़ी मूवीज़ में इसका नेम आता है आई रेटिंग की बात की जाए तो कणफ़ू हसल मूवी को आई पर 7.7 पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला हुआ है लगभग वन लैक फोर्टी फाइव थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है कणफू हसल मूवी को इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी एंड एक दो और ही प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको यह मूवी मिल जाएगी तो जरूर से देख लेना काफ़ी अच्छा मूवी है आपको जरूर से पसंद आएगा आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुंडफू हसल मूवी के बारे में कुंडफू हसल मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कुंडफू हसल मूवी के फ़ैन हैं सो तो अगर आप भी कुंडफू हसल मूवी को देखना चाहते हो तो आज का इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कुफू हसल मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताएँगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आई पर कितना रेटिंग कुफू असल मूवी को मिला हुआ है एंड कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में हम इस मूवी के बारे में बताएंगे साथ ही साथ ही के साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी के जो टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कनफू असल मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्ों ने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं फुल डिटेल में आपको पता चल पाएगा कितने बजट में कनफू हसल को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन चौह ने स्टीफन चौह एक हांगकांग फिल्म मेकर हैं जिन्होंने के वेल नोन फिल्म शाओलिन सॉकर और कनफू हसल को बनाया है स्क्रीन प्ले लिखा है कनफू हसल मूवी का स्टीफन चौ ने हु एग्जिन ने चैन मैन क्योंग एंड टसांग कान च्योंग स्टोरी लिखी है कनफू असल मूवी के स्टीफन चौ ने प्रोड्यूस भी इस मूवी को किया है स्टीफन चौ ने पो चू चू ने जेफरे लाओ ने एंड जेम्स वांग ने और इस मूवी में लीडिंग रोल पर भी आपको स्टीफन चौ देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डैनी चैन देखने को मिल जाते हैं जुएन वाह देखने को मिल जाते हैं जुन कोई देखने को मिल जाते हैं एबा हुआंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कुंडफू हसल मूवी में समाइटोग्राफी की है पून हैंग सैंग ने और एडिट किया है इस मूवी को एन लैब लैम ने म्यूज़िक किया है कुंडफू हसल मूवी का रेमोंड वांग ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स फिल्म प्रोडक्शन एरिया स्टार ओवरसीज बेजिंग फिल्म स्टूडियोज़ तहाय फिल्म इन्वेस्टमेंट चाइना फिल्म ग्रुप हुआई ब्रदर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया कणफू हासिल मूवी को हुआई ब्रदर्स ने कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी थ्री दिसंबर टू थाउजेंड फोर रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी एट मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी का बजट ट्वेंटी मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने वन हंड्रेड फोर पॉइंट नाइन मिलियन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात की जाए करैक्टर्स की बात की जाए तो लीडिंग रोल में स्टीफन चौ ने सिंह का कैरेक्टर निभाया है डैनी चैन क्वॉक क्वार ने ब्रदर सम का कैरेक्टर निभाया है जवीन कोई ने दैंड लेडी का कैरेक्टर निभाया है यूएन वाह ने लैंड लॉर्ड ऑफ फिक्सटी एले का कैरेक्टर निभाया है सुई लंग ने द बीस्ट का कैरेक्टर कनफू हसल मूवी में निभाया है उसके आगे भी काफी आपको कोएक्ट्रेस इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे इस मूवी का जॉनर एक्शन और कॉमेडी मूवी है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है और खास तौर पर चाइनीज की मूवीज देखना पसंद है स्टीफन चो ने डायरेक्ट किया है लीडिंग रोल में भी वही देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है डायरेक्शन के साथ साथ कमाल का एक्टिंग भी आपको उनका इस मूवी में देखने को मिल जाएगा को एक्टर्स का भी अच्छा काम आप आपू हसल मूवी में देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया अच्छी स्टोरी है इस मूवी की यह मूवी टेंथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हाइस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन लैंग्वेज की फ़िल्म है जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू में काफ़ी अच्छा अर्निंग बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था बड़ी मूवीज़ में इसका नेम आता है आई रेटिंग की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी को आई पर सेवन पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला हुआ है लगभग वन लैक फोर्टी फाइव थाउजेंट लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है कनफू हसल मूवी को इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो एंड एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी एंड एक दो और भी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको यह मूवी मिल जाएगी तो जरूर से देख लेना काफ़ी अच्छा मूवी है आपको जरूर से पसंद आएगा आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुनफू हसल मूवी के बारे में कनफू हसल मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कनफ़ू हसल मूवी के फ़ैन हैं सो तो अगर आप भी कनफ़ू हसल मूवी को देखना चाहते हो तो आज का इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कुंडफू हसल मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आईएमडीबी पर कितना रेटिंग कुनफू हसल मूवी को मिला हुआ है एंड कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में हम इस मूवी के बारे में बताएँगे साथ ही साथ ही के साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी के जो टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कणफ़ू असल मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं फुल डिटेल में आपको पता चल पाएगा कितने बजट में कणफ़ू हसल को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन चौह ने स्टीफन चौह एक हांगकांग फिल्म मेकर हैं जिन्होंने के वेल नोन फिल्म्स शाओलिन सॉकर और कनफू हसल को बनाया है स्क्रीन प्ले लिखा है कनफू हसल मूवी का स्टीफन स्टीफन चौ ने एग्जिन ने चैन मैन क्योंगने एंड टसांग कान च्योंग ने स्टोरी लिखी है कनफू असल मूवी के स्टीफन चौ ने प्रोड्यूस भी इस मूवी को किया है स्टीफन चौ ने पो चू चू ने जेफरे लाओ ने एंड जेम्स वांग ने और इस मूवी में लीडिंग रोल पर भी आपको स्टीफन चौ देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डैनी चैन देखने को मिल जाते हैं जून वाह देखने को मिल जाते हैं जुन कोई देखने को मिल जाते हैं एबा हुआंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सीनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कणफ़ू हसल मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है पून हैंग सेंग ने और एडिट किया है इस मूवी को एनसी लैम ने म्यूज़िक किया है कनफू हसल मूवी का रेमोंड वांग ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स फिल्म प्रोडक्शन एरिया स्टार ओवरसीज बेजिंग फिल्म स्टूडियोज़ तहाई फिल्म इन्वेस्टमेंट चाइना फिल्म ग्रुप हुआई ब्रदर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया कणफू हसल मूवी को हुआई ब्रदर्स ने कोलम्बिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी थ्री दिसंबर टू थाउजेंड फोर रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी एट मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी का बजट ट्वेंटी मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने वन हंड्रेड 4.9 मिलियन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था कास्ट की बात की जाए कैरेक्टर्स की बात की जाए तो लीडिंग रोल में स्टीफन चौ ने सिंह का कैरेक्टर निभाया है डैनी चैन क्वॉक क्वार ने ब्रदर सम का कैरेक्टर निभाया है जुइन कोई ने दैंड लेडी का कैरेक्टर निभाया है जुइन वाह ने लैंड लॉर्ड ऑफ फिक्सटी एल का कैरेक्टर निभाया है लियोंग सुई लंग ने द बीस्ट का करेक्टर कनफू हसल मूवी में निभाया है उसके आगे भी काफ़ी आपको कोएक्ट्रेस इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे इस मूवी का जॉनर एक्शन और कॉमेडी मूवी है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है और ख़ास तौर पर चाइनीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है स्टीफन चौ ने डायरेक्ट किया है लीडिंग रोल में भी वही देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है डायरेक्शन के साथ साथ कमाल का एक्टिंग भी आपको उनका इस मूवी में देखने को मिल जाएगा को एक्टर्स का भी अच्छा काम आप कुफू हसल मूवी में देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया अच्छी स्टोरी है इस मूवी की यह मूवी टेंथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हाईएस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन लैंग्वेज की फ़िल्म है जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2004 में काफ़ी अच्छा अर्निंग बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था बड़ी मूवीज़ में इसका नेम आता है आई रेटिंग की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी को आई पर सेवन पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला हुआ है लगभग वन लैक फोटी फाइव थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है कनफू हसल मूवी को इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी एंड एक दो और ही प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको यह मूवी मिल जाएगी तो ज़रूर से देख लेना काफ़ी अच्छा मूवी है आपको जरूर से पसंद आएगा आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कनफू हसल मूवी के बारे में कनफ़ू हसल मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कनफू हसल मूवी के फैन हैं सो so, अगर आप भी कनफ़ु हसल मूवी को देखना चाहते हो तो आज का इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हसल मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आई पर कितना रेटिंग कुफ़ू हसल मूवी को मिला हुआ है एंड कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में हम इस मूवी के बारे में बताएंगे साथ ही साथ ही के साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी के जो टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कनफू असल मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया इस मूवी को किन्ों ने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं फुल डिटेल में आपको पता चल पाएगा कितने बजट में कणफू हसल को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन चौह ने स्टीफन चौह एक हॉगकॉन्ग फिल्म मेकर हैं जिन्होंने के वेल नोन फिल्म शाओलिन सॉकर और कनफू हसल को बनाया है स्क्रीन प्ले लिखा है कनफू हसल मूवी का स्टीफन शॉ स्टीफन चौ ने एग्जिन ने चैन मैन क्यूंग ने एंड टसांग कान च्योंग ने स्टोरी लिखी है कनफू असल मूवी के स्टीफन चौ ने प्रोड्यूस भी इस मूवी को किया है स्टीफन चौ ने पो चू चुई ने जेफरे लाउ ने एंड जेम्स वांग ने और इस मूवी में लीडिंग रोल पर भी आपको स्टीफन चौ देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डैनी चैन देखने को मिल जाते हैं यूएन वाह देखने को मिल जाते हैं जून कोई देखने को मिल जाते हैं ऐबा हुआंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कुंडफू हसल मूवी में सनमाइटोग्राफी की है पून हैंग सेंग ने और एडिट किया है इस मूवी को एनजी लैम ने म्यूज़िक किया है कनफू हसल मूवी का रेमंड वांग ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स फिल्म प्रोडक्शन एरिया स्टार ओवरसीज बेजिंग फिल्म स्टूडियोज़ हाई फिल्म इन्वेस्टमेंट चाइना फिल्म ग्रुप हुआई ब्रदर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया फू हासिल मूवी को हुआई ब्रदर्स ने कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का ट्वेंटी थ्री दिसंबर टू थाउजेंड फोर रनिंग टाइम में इस मूवी का 98 मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी का बजट 20 मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने 104.9 मिलियन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था कास्ट की बात की जाए करेक्टर्स की बात की जाए तो लीडिंग रोल में स्टीफन चौ ने सिंह का कैरेक्टर निभाया है डैनी चैन क्वार ने ब्रदर सम का करैक्टर निभाया है जुवेन कोई ने लैंड लेडी का करैक्टर निभाया है जुइन वाह ने लैंड लॉर्ड ऑफ फिक्सटी एले का करैक्टर निभाया है सुई लंग ने द बीस्ट का करैक्टर कनफू हसल मूवी में निभाया है उसके आगे भी काफ़ी आपको को एक्ट्रेस इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे इस मूवी का जॉनर एक्शन कॉमेडी मूवी है काफ़ी पसंद आपको आई गया अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है और ख़ास तौर पर चाइनीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है स्टीफन चो ने डायरेक्ट किया है लीडिंग रोल में भी वही देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है डायरेक्शन के साथ साथ कमाल का एक्टिंग भी आपको उनका इस मूवी में देखने को मिल जाएगा को एक्टर्स का भी अच्छा काम आप कनफू हसल मूवी में देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया अच्छी स्टोरी है इस मूवी की यह मूवी टेंथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हाईएस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन लैंग्वेज की फिल्म है जब यह मूवी रिलीज हुई थी 2004 में काफ़ी अच्छा अर्निंग बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था बड़ी मूवीज़ में इसका नेम आता है आई रेटिंग की बात की जाए तो कणफ़ू हसल मूवी को आई पर सेवन पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला हुआ है लगभग वन लैक फोर्टी फाइव थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है कनफू हसल मूवी को इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी एंड एक दो और ही प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको यह मूवी मिल जाएगी तो ज़रूर से देख लेना काफ़ी अच्छा मूवी है आपको ज़रूर से पसंद आएगा आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुंडफू हसल मूवी के बारे में कुंडफू हसल मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कुंडफू हसल मूवी के फ़ैन हैं सो तो अगर आप भी कुंडफू हसल मूवी को देखना चाहते हो तो आज का इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कुफू हसल मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आई पर कितना रेटिंग Uh, कुफ़ू हसल मूवी को मिला हुआ है एंड कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में हम इस मूवी के बारे में बताएँगे साथ ही साथ ही के साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी के जो टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कुंडफू असल मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया इस मूवी को किन्ों ने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं फुल डिटेल में आपको पता चल पाएगा कितने बजट में कुंडफू हसल को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कुंडफू हसल मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन चौ ने स्टीफन चौ एक हांगकांग फिल्म मेकर हैं जिन्होंने के वेल नोन फिल्म शाओलिन सॉकर और कनफू हसल को बनाया है स्क्रीन प्ले लिखा है कनफू हसल मूवी का स्टीफन चौ ने हु एग्जिन ने चैन मैन क्योंग एंड टसांग कान च्योंग स्टोरी लिखी है कनफू असल मूवी की स्टीफन चौ ने प्रोड्यूस भी इस मूवी को किया है स्टीफन चौ ने पो चू चू ने जेफरे लाओ ने एंड जेम्स वांग ने और इस मूवी में लीडिंग रोल पर भी आपको स्टीफन चौ देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डैनी चैन देखने को मिल जाते हैं युन वाह देखने को मिल जाते हैं जून कोई देखने को मिल जाते हैं एबा हुआंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैमायटोग्राफी की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी में सैनैटोग्राफी की है पून हैंग सेंग ने और एडिट किया है इस मूवी को एनसी लैम ने म्यूजिक किया है कनफू हसल मूवी का रेमोंड वांग ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स फिल्म प्रोडक्शन एरिया स्टार ओवरसीज बेजिंग फिल्म स्टूडियोज तहाई फिल्म इन्वेस्टमेंट चाइना फिल्म ग्रुप हुआई ब्रदर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया कनफू हसल मूवी को हुआई ब्रदर्स ने कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी थ्री दिसंबर टू थाउजेंड फोर रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी एट मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी का बजट ट्वेंटी मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने वन हंड्रेड फोर पॉइंट नाइन मिलियन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था कास्ट की बात की जाए करेक्टर्स की बात की जाए तो लीडिंग रोल में स्टीफन चौ ने सिंह का कैरेक्टर निभाया है डैनी चैन क्वाक क्वार ने ब्रदर सम का कैरेक्टर निभाया है जवीन कोई ने द लैंडलेडी का कैरेक्टर निभाया है यूएन वाह ने लैंड लॉर्ड ऑफ फिक्सटी एले का करैक्टर निभाया है ल्यूंग सुई लंग ने द बीस्ट का कैरेक्टर कनफू हसल मूवी में निभाया है उसके आगे भी काफ़ी आपको कोएक्ट्रेस इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे इस मूवी का जॉनर एक्शन और कॉमेडी मूवी है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है और ख़ास तौर पर चाइनीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है स्टीफन चौ ने डायरेक्ट किया है लीडिंग रोल में भी वही देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है डायरेक्शन के साथ साथ कमाल का एक्टिंग भी आपको उनका इस मूवी में देखने को मिल जाएगा को एक्टर्स का भी अच्छा काम आप कुफू हसल मूवी में देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया अच्छी स्टोरी है इस मूवी की यह मूवी टेंथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हाइस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन लैंग्वेज की फ़िल्म है जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2004 में काफ़ी अच्छा अर्निंग बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था बड़ी मूवीज़ में इसका नेम आता है आई रेटिंग की बात की जाए तो कनफ़ू हसल मूवी को आई पर सेवन पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला हुआ है लगभग वन लैक फोर्टी फाइव थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है कनफू हसल मूवी को इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो एंड एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी एंड एक दो और ही प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको यह मूवी मिल जाएगी तो ज़रूर से देख लेना काफ़ी अच्छा मूवी है आपको जरूर से पसंद आएगा आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुनफू हसल मूवी के बारे में कनफू हसल मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कनफ़ू हसल मूवी के फ़ैन हैं सो तो अगर आप भी कनफ़ू हसल मूवी को देखना चाहते हो तो आज का इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कुंडफू हसल मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आई पर कितना रेटिंग कुनफू हसल मूवी को मिला हुआ है एंड कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में हम इस मूवी के बारे में बताएँगे साथ ही साथ ही के साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी के जो टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कणफू असल मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्ों लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं फुल डिटेल में आपको पता चल पाएगा कितने बजट में कण्फू असल को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन चौह ने स्टीफन चौह एक हांगकांग फिल्म मेकर हैं जिन्होंने के वेल नोन फिल्म्स शाओलिन सॉकर और कनफू हसल को बनाया है स्क्रीन प्ले लिखा है कनफू हसल मूवी का स्टीफन स्टीफन चौ ने एग्जिन ने चैन मैन क्योंगने एंड टसांग कान ने स्टोरी लिखी है गुनफू असल मूवी के स्टीफन चौ ने प्रोड्यूस भी इस मूवी को किया है स्टीफन चौ ने पो चू चू ने जेफरे लाउ ने एंड जेम्स वांग ने और इस मूवी में लीडिंग रोल पर भी आपको स्टीफन चौ देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डैनी चैन देखने को मिल जाते हैं जुन वाह देखने को मिल जाते हैं जुन कोई देखने को मिल जाते हैं एबा हुआंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो कुंडफू हसल मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है पून हैंग सेंग ने और एडिट किया है इस मूवी को एन लैम ने म्यूज़िक किया है कुंडफू हसल मूवी का रेमंड वांग ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स फिल्म प्रोडक्शन एरिया स्टार ओवरसीज़ बेजिंग फिल्म स्टूडियोज़ तहाई फिल्म इन्वेस्टमेंट चाइना फिल्म ग्रुप हुआई ब्रदर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया कनफू हसल मूवी को हुआई ब्रदर्स ने कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी थ्री दिसंबर टू थाउजेंड फोर रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी एट मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कुंफू हसल मूवी का बजट ट्वेंटी मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने वन हंड्रेड 4.9 मिलियन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था कास्ट की बात की जाए करैक्टर्स की बात की जाए तो लीडिंग रोल में स्टीफन चौ ने सिंह का कैरेक्टर निभाया है डैनी चैन क्वाक क्वार ने ब्रदर सम का कैरेक्टर निभाया है जुइन कोई ने दैंड लेडी का कैरेक्टर निभाया है जुइन वाह ने लैंड लॉर्ड ऑफ फिक्सटी एल का कैरेक्टर निभाया है लियग सुई लंग ने द बीस्ट का करेक्टर कनफू हसल मूवी में निभाया है उसके आगे भी काफ़ी आपको कोएक्ट्रेस इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे इस मूवी का जॉनर एक्शन और कॉमेडी मूवी है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है और ख़ास तौर पर चाइनीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है स्टीफन चो ने डायरेक्ट किया है लीडिंग रोल में भी वही देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है डायरेक्शन के साथ साथ कमाल का एक्टिंग भी आपको उनका इस मूवी में देखने को मिल जाएगा को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप हसल मूवी में देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया अच्छी स्टोरी है इस मूवी की यह मूवी टेंथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हाईएस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन लैंग्वेज की फ़िल्म है जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2004 में काफ़ी अच्छा अर्निंग बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था बड़ी मूवीज़ में इसका नेम आता है आई रेटिंग की बात की जाए तो खनफ़ू हसल मूवी को आई पर सेवन पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला हुआ है लगभग वन लैक फोर्टी फाइव थाउजेंट लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है खनफू हसल मूवी को इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी एंड एक दो और प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको यह मूवी मिल जाएगी तो ज़रूर से देख लेना काफ़ी अच्छा मूवी है आपको ज़रूर से पसंद आएगा आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कनफू हसल मूवी के बारे में कनफू हसल मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कनफू हसल मूवी के फैन हैं सो so, अगर आप भी कनफ़ू हसल मूवी को देखना चाहते हो तो आज का इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हसल मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए जहाँ नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आई पर कितना रेटिंग कुनफू हसल मूवी को मिला हुआ है एंड कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में हम इस मूवी के बारे में बताएंगे साथ ही साथ ही के साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी के जो टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कनफू असल मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्हाँ ने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं फुल डिटेल में आपको पता चल पाएगा कितने बजट में कण्फू हसल को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कणफू हसल मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन चौ ने स्टीफन चौह एक हॉन्गकॉन्ग फिल्म मेकर हैं जिन्होंने के वेल नोन फिल्म शाओलिन सॉकर और कणफू हसल को बनाया है स्क्रीन प्ले लिखा है कनफू हसल मूवी का स्टीफन शॉ स्टीफन चौ ने एग्जिन ने चैन मैन क्यूंग ने एंड टसांग कान चूंग ने स्टोरी लिखी है कनफू असल मूवी के स्टीफन चौ ने प्रोड्यूस भी इस मूवी को किया है स्टीफन चौ ने पो चू चू ने जेफरे लाओ ने एंड जेम्स वांग ने और इस मूवी में लीडिंग रोल पर भी आपको स्टीफन चौ देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डैनी चैन देखने को मिल जाते हैं यूएन वाह देखने को मिल जाते हैं जुन कोई देखने को मिल जाते हैं एबा हुआंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी में सनमैटोग्राफी की है पून हैंग सेंग ने और एडिट किया है इस मूवी को एन लैम ने म्यूजिक किया है कनफू हसल मूवी का रेमंड वांग ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स फिल्म प्रोडक्शन एरिया स्टार ओवरसीज बेजिंग फिल्म स्टूडियोज़ तहाय फिल्म इन्वेस्टमेंट चाइना फिल्म ग्रुप हुआई ब्रदर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया कणफू हासिल मूवी को हुआई ब्रदर्स ने कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी थ्री दिसंबर टू थाउजेंड फोर रनिंग टाइम में इस मूवी का नाइन्टी एट मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी का बजट ट्वेंटी मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने वन हंड्रेड फोर पॉइंट नाइन मिलियन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था कास्ट की बात की जाए करैक्टर्स की बात की जाए तो लीडिंग रोल में स्टीफन चौ ने सिंह का कैरेक्टर निभाया है डैनी चैन क्वाक क्वार ने ब्रदर सम का करैक्टर निभाया है जुवेन कोई ने लैंड लेडी का करैक्टर निभाया है जुवेन वाह ने लैंड लॉर्ड ऑफ फिक्सटी एले का करैक्टर निभाया है ल्यूंग सुई लंग ने द बीस्ट का करैक्टर कनफू हसल मूवी में निभाया है उसके आगे भी काफ़ी आपको कोएक्ट्रेस इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे इस मूवी का जॉनर एक्शन कॉमेडी मूवी है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है और ख़ास तौर पर चाइनीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है स्टीफन चौ ने डायरेक्ट किया है लीडिंग रोल में भी वही देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है डायरेक्शन के साथ साथ कमाल का एक्टिंग भी आपको उनके इस मूवी में देखने को मिल जाएगा को एक्टर्स का भी अच्छा काम आप आपू हसल मूवी में देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया अच्छी स्टोरी है इस मूवी की यह मूवी टेंथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हाईएस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन लैंग्वेज की फ़िल्म है जब यह मूवी रिलीज हुई थी 2004 में काफ़ी अच्छा अर्निंग बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था बड़ी मूवीज में इसका नेम आता है आई रेटिंग की बात की जाए तो कणफ़ू हसल मूवी को आई पर सेवन पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला हुआ है लगभग वन लैक फोर्टी फाइव थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है कुण्फू हसल मूवी को इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी एंड एक दो और और भी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको यह मूवी मिल जाएगी तो जरूर से देख लेना काफ़ी अच्छा मूवी है आपको जरूर से पसंद आएगा आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुंडफू हसल मूवी के बारे में कुंडफू हसल मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कुंडफू हसल मूवी के फ़ैन हैं सो तो अगर आप भी कुंडफू हसल मूवी को देखना चाहते हो तो आज का इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कुफ़ू हसल मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आई पर कितना रेटिंग कुफ़ू हसल मूवी को मिला हुआ है एंड कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में हम इस मूवी के बारे में बताएँगे साथ ही साथ ही के साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी के जो टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कनफू असल मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया इस मूवी को किन्ों लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं फुल डिटेल में आपको पता चल पाएगा कितने बजट में कनफू हसल को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन चौ ने स्टीफन चौह एक हांगकांग फिल्म मेकर हैं जिन्होंने के वेल नोन फिल्म शाओलिन सॉकर और कनफू हसल को बनाया है स्क्रीन प्ले लिखा है कनफू हसल मूवी का स्टीफन चौ ने हू एग्जिन ने चैन मैन क्योंग ने एंड टसांग कान च्योंग ने स्टोरी लिखी है कनफू असल मूवी के स्टीफन चौ ने प्रोड्यूस भी इस मूवी को किया है स्टीफन चौ ने पो चू चू ने जेफरे लाओ ने एंड जेम्स वांग ने और इस मूवी में लीडिंग रोल पर भी आपको स्टीफन चौ देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डैनी चैन देखने को मिल जाते हैं जून वाह देखने को मिल जाते हैं जुन कोई देखने को मिल जाते हैं ऐबा हुआंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कुंडफू हसल मूवी में सन्माइटोग्राफी की है पूर्ण हैंग सेंग ने और एडिट किया है इस मूवी को एनसी लैम ने म्यूजिक किया है कुंडफू हसल मूवी का रेमोंड वांग ने प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स फिल्म प्रोडक्शन एरिया स्टार ओवरसीज बेजिंग फिल्म स्टूडियोज़ तहाय फिल्म इन्वेस्टमेंट चाइना फिल्म ग्रुप हुआई ब्रदर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया कणफू हासिल मूवी को हुआई ब्रदर्स ने कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी थ्री दिसंबर टू थाउजेंड फोर रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी एट मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कुफू हसल मूवी का बजट ट्वेंटी मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने वन हंड्रेड फोर पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर कलेक्शन किया था कास्ट की बात की जाए करेक्टर्स की बात की जाए तो लीडिंग रोल में स्टीफन चौ ने सिंह का कैरेक्टर निभाया है डैनी चैन क्वॉक क्वार ने ब्रदर सम का कैरेक्टर निभाया है ज्वीन कोई ने दैंड लेडी का करेक्टर निभाया है यूएन वाह ने लैंड लॉर्ड ऑफ फिक्सटी एले का कैरेक्टर निभाया है ल्यूंग सुई लंग ने द बीस्ट का कैरेक्टर कनफू हसल मूवी में निभाया है उसके आगे भी काफ़ी आपको कोएक्ट्रेस इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे इस मूवी का जॉनर एक्शन और कॉमेडी मूवी है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है और ख़ास तौर पर चाइनीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है स्टीफन चौ ने डायरेक्ट किया है लीडिंग रोल में भी वही देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है डायरेक्शन के साथ साथ कमाल का एक्टिंग भी आपको उनका इस मूवी में देखने को मिल जाएगा को एक्टर्स का भी अच्छा काम आप कुफू हसल मूवी में देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया अच्छी स्टोरी है इस मूवी की यह मूवी टेंथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हाइस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन लैंग्वेज की फ़िल्म है जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू में काफ़ी अच्छा अर्निंग बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था बड़ी मूवीज़ में इसका नेम आता है आई रेटिंग की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी को आई पर सेवन पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला हुआ है लगभग वन लैक फोर्टी फाइव थाउजेंट लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है खनफू हसल मूवी को इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो एंड एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी एंड एक दो और ही प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको यह मूवी मिल जाएगी तो जरूर से देख लेना काफ़ी अच्छा मूवी है आपको जरूर से पसंद आएगा आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कनफू हसल मूवी के बारे में कनफू हसल मूवी टू थाउजेंट फोर में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कनफ़ू हसल मूवी के फ़ैन हैं सो तो अगर आप भी कनफ़ू हसल मूवी को देखना चाहते हो तो आज का इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कुंडफू हसल मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आई पर कितना रेटिंग कुनफू हसल मूवी को मिला हुआ है एंड कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में हम इस मूवी के बारे में बताएंगे साथ ही साथ ही के साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी के जो टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कणफ़ू असल मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं फुल डिटेल में आपको पता चल पाएगा कितने बजट में कणफू असल को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कनफू असल मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन चौह ने स्टीफन चौह एक हांगकांग फिल्म मेकर हैं जिन्होंने के वेल नोन फिल्म शाओलिन सॉकर और कनफू हसल को बनाया है स्क्रीन प्ले लिखा है कनफू हसल मूवी का स्टैफन स्टीफन चौ ने हु एग्जिन ने चैन मैन क्योंगणे एंड टसांग कान च्योंगने स्टोरी लिखी है खुनफू असल मूवी के स्टीफन चो ने प्रोड्यूस भी इस मूवी को किया है स्टीफन चौ ने पो चू चु चू ने जेफरे लाउ ने एंड जेम्स वांग ने और इस मूवी में लीडिंग रोल पर भी आपको स्टीफन चौ देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डैनी चैन देखने को मिल जाते हैं जून वाह देखने को मिल जाते हैं जून कोई देखने को, देखने को मिल जाते हैं एबा हुआंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमेटोग्राफी की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है पोन हैंग सेंग ने और एडिट किया है इस मूवी को एनजी लैम ने म्यूजिक किया है कनफू हसल मूवी का रेमोंड वांग ने प्रोडक्शन कंपनीज़ से इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स फिल्म प्रोडक्शन एरिया स्टार ओवरसीज़ बेजिंग फिल्म स्टूडियोज़ टहाय फिल्म इन्वेस्टमेंट चाइना फिल्म ग्रुप हुआई ब्रदर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया कणफू हसल मूवी को हुआई ब्रदर्स ने कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी थ्री दिसंबर टू थाउजेंड फोर रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी एट मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कुंफू हसल मूवी का बजट ट्वेंटी मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने वन हंड्रेड फोर पॉइंट नाइन मिलियन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था कास्ट की बात की जाए करैक्टर्स की बात की जाए तो लीडिंग रोल में स्टीफन चौ ने सिंह का कैरेक्टर निभाया है डैनी चैन क्वाक, क्वार ने ब्रदर सम का कैरेक्टर निभाया है जुइन कोई ने लैंड लेडी का कैरेक्टर निभाया है जुइन वाह ने लैंड लॉर्ड ऑफ फिक्सटी एल का कैरेक्टर निभाया है लियंग सुई लंग ने द बीस्ट का करेक्टर कनफू हसल मूवी में निभाया है उसके आगे भी काफ़ी आपको को एक्ट्रेस इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे इस मूवी का जॉनर एक्शन और कॉमेडी मूवी है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है और ख़ास तौर पर चाइनीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है स्टीफन चौ ने डायरेक्ट किया है लीडिंग रोल में भी वही देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है डायरेक्शन के साथ साथ कमाल का एक्टिंग भी आपको उनका इस मूवी में देखने को मिल जाएगा को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप कुफू हसल मूवी में देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया अच्छी स्टोरी है इस मूवी की यह मूवी टेंथ हाइस्ट ग्रॉसिंग हाइस्ट ग्रॉसिंग फॉरन लैंग्वेज की फ़िल्म है जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2004 में काफ़ी अच्छा अर्निंग बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था बड़ी मूवीज़ में इसका नेम आता है आई रेटिंग की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी को आई पर सेवन पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला हुआ है लगभग वन लैक फोर्टी फाइव थाउजेंट लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है खनफू हसल मूवी को इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो एंड एमज़ोन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी एंड एक दो और ही प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको यह मूवी मिल जाएगी तो ज़रूर से देख लेना काफ़ी अच्छा मूवी है आपको ज़रूर से पसंद आएगा आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कनफू हसल मूवी के बारे में कनफ़ू हसल मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कनफू हसल मूवी के फ़ैन हैं सो so, अगर आप भी गुनफ़ो हसल मूवी को देखना चाहते हो तो आज का इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किनफू हसल मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएँगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आई पर कितना रेटिंग कुनफू असल मूवी को मिला हुआ है एंड कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में हम इस मूवी के बारे में बताएंगे साथ ही साथ ही के साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी के जो टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कनफू असल मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया इस मूवी को किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं फुल डिटेल में आपको पता चल पाएगा कितने बजट में कणफू हसल को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कणफू हसल मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन चौह ने स्टीफन चौह एक हांगकांग फिल्म मेकर हैं जिन्होंने के वेल नोन फिल्म शाओलिन सॉकर और कनफू हसल को बनाया है स्क्रीन प्ले लिखा है कनफू असल मूवी का स्टीफन शॉ स्टीफन चौ ने हु एग्जिन ने चैन मैन क्योंग ने एंड टसांग कान च्योंग ने स्टोरी लिखी है कनफू असल मूवी की स्टीफन चौ ने प्रोड्यूस भी इस मूवी को किया है स्टीफन चौ ने पो चू चुई ने जेफरे लाओ ने एंड जेम्स वांग ने और इस मूवी में लीडिंग रोल पर भी आपको स्टीफन चौ देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डैनी चैन देखने को मिल जाते हैं यूएन वाह देखने को मिल जाते हैं जून कोई देखने को मिल जाते हैं एबा हुआंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी में सनमाइटोग्राफी की है पून हैंग सेंग ने और एडिट किया है इस मूवी को एनसी लैम ने म्यूज़िक किया है कनफू हसल मूवी का वांग ने, ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स फिल्म प्रोडक्शन एरिया स्टार ओवरसीज बेजिंग फिल्म स्टूडियोज़ तहाई फिल्म इन्वेस्टमेंट चाइना फिल्म ग्रुप हुआई ब्रदर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया कनफूह हासिल मूवी को हुआई ब्रदर्स ने कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का ट्वेंटी थ्री दिसंबर टू थाउजेंड फोर रनिंग टाइम में इस मूवी का 98 मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी का बजट 20 मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने 104.9 मिलियन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था कास्ट की बात की जाए करेक्टर्स की बात की जाए तो लीडिंग रोल में स्टीफन चौ ने सिंह का कैरेक्टर निभाया है डैनी चैन क्वाक क्वार ने ब्रदर सम का करैक्टर निभाया है जवेन कोई ने लैंड लेडी का करैक्टर निभाया है जुवेन वाह ने लैंड लॉर्ड ऑफ फिक्सटी एले का करैक्टर निभाया है ल्यूंग सुई लंग ने द बीस्ट का करैक्टर कनफू हसल मूवी में निभाया है उसके आगे भी काफ़ी आपको कोएक्ट्रेस इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे इस मूवी का जॉनर एक्शन कॉमेडी मूवी है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है और ख़ास तौर पर चाइनीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है स्टीफन चो ने डायरेक्ट किया है लीडिंग रोल में भी वही देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है डायरेक्शन के साथ साथ कमाल का एक्टिंग भी आपको उनका इस मूवी में देखने को मिल जाएगा को एक्टर्स का भी अच्छा काम आप कनफू हसल मूवी में देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया अच्छी स्टोरी है इस मूवी की यह मूवी टेंथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हाईएस्ट ग्रॉसिंग फॉरन लैंग्वेज की फ़िल्म है जब यह मूवी रिलीज हुई थी 2004 में काफ़ी अच्छा अर्निंग बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था बड़ी मूवीज़ में इसका नेम आता है आई रेटिंग की बात की जाए तो कणफ़ू हसल मूवी को आई पर 7.7 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला हुआ है लगभग वन लैक फोर्टी फाइव थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है कनफू हसल मूवी को इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी एंड एक दो और भी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको यह मूवी मिल जाएगी तो ज़रूर से देख लेना काफ़ी अच्छा मूवी है आपको ज़रूर से पसंद आएगा आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुंडफू हसल मूवी के बारे में कुंडफू हसल मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कुंडफू हसल मूवी के फ़ैन हैं सो अगर आप भी कुंडफू हसल मूवी को देखना चाहते हो तो आज का इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कुफू हसल मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएँगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आई पर कितना रेटिंग कुफ़ू हसल मूवी को मिला हुआ है एंड कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में हम इस मूवी के बारे में बताएँगे साथ ही साथ ही के साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी के जो टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कनफू असल मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्ों लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं फुल डिटेल में आपको पता चल पाएगा कितने बजट में कणफू हसल को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन चौ ने स्टीफन चौ एक हांगकांग फिल्म मेकर हैं जिन्होंने के वेल नोन फिल्म शाओलिन सॉकर और कनफू हसल को बनाया है स्क्रीन प्ले लिखा है कनफू हसल मूवी का स्टीफन चौ ने हू एग्जिन ने चैन मैन क्योंग ने एंड टसांग कान च्योंग ने स्टोरी लिखी है खुनफू असल मूवी के स्टीफन चौ ने प्रोड्यूस भी इस मूवी को किया है स्टीफन चौ ने पो चू चू ने जेफरे लाओ ने एंड जेम्स वांग ने और इस मूवी में लीडिंग रोल पर भी आपको स्टीफन चौ देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डैनी चैन देखने को मिल जाते हैं जुएन वाह देखने को मिल जाते हैं जून कोई देखने को मिल जाते हैं एबा हुआंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कुंडफू हसल मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है पून हैंग सेंग ने और एडिट किया है इस मूवी को एन सी लैम ने म्यूजिक किया है कुंडफू हसल मूवी का रेमोंड वांग ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स फिल्म प्रोडक्शन एरिया स्टार ओवरसीज बेजिंग फिल्म स्टूडियोज़ तहाई फिल्म इन्वेस्टमेंट चाइना फिल्म ग्रुप हुआई ब्रदर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया कनफूह हासिल मूवी को हुआई ब्रदर्स ने Columbia ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी थ्री दिसंबर टू थाउजेंड फोर रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी एट मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी का बजट ट्वेंटी मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने वन हंड्रेड फोर पॉइंट नाइन मिलियन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात की जाए करैक्टर्स की बात की जाए तो लीडिंग रोल में स्टीफन चौ ने सिंह का कैरेक्टर निभाया है डैनी चैन क्वॉक क्वार ने ब्रदर सम का कैरेक्टर निभाया है जवीन कोई ने दैंड लेडी का करेक्टर निभाया है यून वाह ने लैंड लॉर्ड ऑफ फिक्सटी एल का करेक्टर निभाया है ल्यूंग सुई लंग ने द बीस्ट का करैक्टर कनफू हसल मूवी में निभाया है उसके आगे भी काफ़ी आपको कोएक्ट्रेस इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे इस मूवी का जॉनर एक्शन और कॉमेडी मूवी है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है और ख़ास तौर पर चाइनीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है स्टीफन चौ ने डायरेक्ट किया है लीडिंग रोल में भी वही देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है डायरेक्शन के साथ साथ कमाल का एक्टिंग भी आपको उनका इस मूवी में देखने को मिल जाएगा को एक्टर्स का भी अच्छा काम आप आपू हसल मूवी में देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया अच्छी स्टोरी है इस मूवी की यह मूवी टेंथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हाइस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन लैंग्वेज की फ़िल्म है जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू में काफ़ी अच्छा अर्निंग बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था बड़ी मूवीज़ में इसका नेम आता है आई रेटिंग की बात की जाए तो कणफ़ू हसल मूवी को आई पर सेवन पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला हुआ है लगभग वन लैक फोर्टी फाइव थाउजेंट लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है कनफू हसल मूवी को इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो एंड एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी एंड एक दो और ही प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको यह मूवी मिल जाएगी तो जरूर से देख लेना काफ़ी अच्छा मूवी है आपको जरूर से पसंद आएगा आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुंडफू हसल मूवी के बारे में कनफू हसल मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कनफ़ू हसल मूवी के फ़ैन हैं सो तो अगर आप भी कनफ़ू हसल मूवी को देखना चाहते हो तो आज का इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कुंडफू हसल मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आईएमडीबी पर कितना रेटिंग कुनफू हसल मूवी को मिला हुआ है एंड कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में हम इस मूवी के बारे में बताएँगे साथ ही साथ ही के साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी के जो टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कणफू असल मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं फुल डिटेल में आपको पता चल पाएगा कितने बजट में कण्फू हसल को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन चौह ने स्टीफन चौह एक हांगकांग फिल्म मेकर हैं जिन्होंने के वेल नोन फिल्म शाओलिन सॉकर और कनफू हसल को बनाया है स्क्रीन प्ले लिखा है कनफू हसल मूवी का स्टीफन स्टीफन चौ ने एग्जिन ने चैन मैन क्योंग ने एडिट कान च्योंग ने स्टोरी लिखी है गुनफू असल मूवी के स्टीफन चौ ने प्रोड्यूस भी इस मूवी को किया है स्टीफन चौ ने पो चू चू ने जेफरे लाउ ने एंड जेम्स वांग ने और इस मूवी में लीडिंग रोल पर भी आपको स्टीफन चौ देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डैनी चैन देखने को मिल जाते हैं जुन वाह देखने को मिल जाते हैं जुन कोई देखने को मिल जाते हैं एबा हुआंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सीनेमाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है पून हैंग सेंग ने और एडिट किया है इस मूवी को एन सी लैम ने म्यूज़िक किया है कनफू हसल मूवी का रेमोंड वांग ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स फिल्म प्रोडक्शन एरिया स्टार ओवरसीज़ बेजिंग फिल्म स्टूडियोज़ तहाय फिल्म इन्वेस्टमेंट चाइना फिल्म ग्रुप हुआई ब्रदर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया कणफ़ू हसल मूवी को हुआई ब्रदर्स ने कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी थ्री दिसंबर टू थाउजेंड फोर रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी एट मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी का बजट ट्वेंटी मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने वन हंड्रेड फोर पॉइंट नाइन मिलियन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था कास्ट की बात की जाए करैक्टर्स की बात की जाए तो लीडिंग रोल में स्टीफन चौ ने सिंह का कैरेक्टर निभाया है डैनी चैन क्वार क्वार ने ब्रदर सम का कैरेक्टर निभाया है जुइन कोई ने लैंड लेडी का कैरेक्टर निभाया है जुइन वाह ने लैंड लॉर्ड ऑफ फिक्सटी एल का कैरेक्टर निभाया है लियंग सुई लंग ने द बीस्ट का करेक्टर कनफू हसल मूवी में निभाया है उसके आगे भी काफ़ी आपको कोएक्ट्रेस इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे इस मूवी का जॉनर एक्शन और कॉमेडी मूवी है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है और ख़ास तौर पर चाइनीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है स्टीफन चो ने डायरेक्ट किया है लीडिंग रोल में भी वही देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है डायरेक्शन के साथ साथ कमाल का एक्टिंग भी आपको उनका इस मूवी में देखने को मिल जाएगा को एक्टर्स का भी अच्छा काम आप हसल मूवी में देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया अच्छी स्टोरी है इस मूवी की यह मूवी टेंथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हाईएस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन लैंग्वेज की फ़िल्म है जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2004 में काफ़ी अच्छा अर्निंग बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था बड़ी मूवीज़ में इसका नेम आता है आई रेटिंग की बात की जाए तो कनफ़ू हसल मूवी को आई पर सेवन पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला हुआ है लगभग वन लैक फोटी फाइव थाउजेंट लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है खनफू हसल मूवी को इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी एंड एक दो और ही प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको यह मूवी मिल जाएगी तो ज़रूर से देख लेना काफ़ी अच्छा मूवी है आपको जरूर से पसंद आएगा आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कनफू हसल मूवी के बारे में कनफू हसल मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कनफू हसल मूवी के फैन हैं सो so, अगर आप भी कनफ़ु हसल मूवी को देखना चाहते हो तो आज का इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किनफू हसल मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए जहाँ नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आई पर कितना रेटिंग कुनफू असल मूवी को मिला हुआ है एंड कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में हम इस मूवी के बारे में बताएंगे साथ ही साथ ही के साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी के जो टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कनफू असल मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया इस मूवी को किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं फुल डिटेल में आपको पता चल पाएगा कितने बजट में कण्फू हसल को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कणफू हसल मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन चौह ने स्टीफन चौह एक हॉन्गकॉन्ग फिल्म मेकर हैं जिन्होंने के वेल नोन फिल्म शाओलिन सॉकर और कणफू हसल को बनाया है स्क्रीन प्ले लिखा है कनफू हसल मूवी का स्टैफन स्टीफन चौहान ने हु एग्जिन ने चैन मैन क्यूंग ने एंड टसांग कान च्योंग ने स्टोरी लिखी है कनफू असल मूवी के स्टीफन चौ ने प्रोड्यूस भी इस मूवी को किया है स्टीफन चौ ने पो चू चू ने जेफरे लाउ ने एंड जेम्स वांग ने और इस मूवी में लीडिंग रोल पर आपको स्टीफन चौ देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डैनी चैन देखने को मिल जाते हैं जुएन वाह देखने को मिल जाते हैं जून कोई देखने को मिल जाते हैं ऐबा हुआंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कुंडफू हसल मूवी में समाइटोग्राफी की है पून हैंग सेंग ने और एडिट किया है इस मूवी को एन सी लैम ने म्यूज़िक किया है कनफू हसल मूवी का रेमंड वांग ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स फिल्म प्रोडक्शन एरिया स्टार ओवरसीज बेजिंग फिल्म स्टूडियोज़ तहाई फिल्म इन्वेस्टमेंट चाइना फिल्म ग्रुप हुआई ब्रदर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया कणफू हासिल मूवी को हुआई ब्रदर्स ने कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का ट्वेंटी थ्री दिसंबर टू थाउजेंड फोर रनिंग टाइम में इस मूवी का 98 मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कनफू हसन मूवी का बजट 20 मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने 104.9 मिलियन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था कास्ट की बात की जाए करेक्टर्स की बात की जाए तो लीडिंग रोल में स्टीफन चो ने सिंह का कैरेक्टर निभाया है डैनी चैन क्वार ने ब्रदर सम का करैक्टर निभाया है जुवेन कोई ने लैंड लेडी का करैक्टर निभाया है जुवेन वाह ने लैंड लॉर्ड ऑफ फिक्सटी एले का करैक्टर निभाया है ल्यूंग सुई लंग ने द बीस्ट का करैक्टर कनफू हसल मूवी में निभाया है उसके आगे भी काफ़ी आपको कोएक्ट्रेस इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे इस मूवी का जॉनर एक्शन कॉमेडी मूवी है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है और ख़ास तौर पर चाइनीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है स्टीफन चौ ने डायरेक्ट किया है लीडिंग रोल में भी वही देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है डायरेक्शन के साथ साथ कमाल का एक्टिंग भी आपको उनका इस मूवी में देखने को मिल जाएगा को एक्टर्स का भी अच्छा काम आप कनफो हसल मूवी में देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया अच्छी स्टोरी है इस मूवी की यह मूवी टेंथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हाईएस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन लैंग्वेज की फिल्म है जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2004 में काफ़ी अच्छा अर्निंग बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था बड़ी मूवीज में इसका नेम आता है आई रेटिंग की बात की जाए तो कणफू हसल मूवी को आई पर सेवन पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला हुआ है लगभग वन लैक फोर्टी फाइव थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है कुण्फू हसल मूवी को इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी एंड एक दो और ही प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको यह मूवी मिल जाएगी तो ज़रूर से देख लेना काफ़ी अच्छा मूवी है आपको जरूर से पसंद आएगा आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुंडफू हसल मूवी के बारे में कुंडफू हसल मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कुंडफू हसल मूवी के फ़ैन हैं सो तो अगर आप भी कुंडफू हसल मूवी को देखना चाहते हो तो आज का इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कुफु हसल मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आई पर कितना रेटिंग Uh, कुफ़ू हसल मूवी को मिला हुआ है एंड कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में हम इस मूवी के बारे में बताएँगे साथ ही साथ ही के साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी के जो टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कनफू असल मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया इस मूवी को किन्ों लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं फुल डिटेल में आपको पता चल पाएगा कितने बजट में कुंडफू हसल को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कुंडफू हसल मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन चौ ने स्टीफन चौ एक हांगकांग फिल्म मेकर हैं जिन्होंने के वेल नोन फिल्म शाओलिन सॉकर और कनफू हसल को बनाया है स्क्रीन प्ले लिखा है कनफू हसल मूवी का स्टीफन चौ ने एग्जिन ने चैन मैन क्योंग ने एंड टसांग कान च्योंग स्टोरी लिखी है कनफू असल मूवी की स्टीफन चौ ने प्रोड्यूस भी इस मूवी को किया है स्टीफन चौ ने पो चू चू ने जेफरे लाओ ने एंड जेम्स वांग ने और इस मूवी में लीडिंग रोल पर भी आपको स्टीफन चौ देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डैनी चैन देखने को मिल जाते हैं युन वाह देखने को मिल जाते हैं जून कोई देखने को मिल जाते हैं एबा हुआंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैमायटोग्राफी की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी में सैनैटोग्राफी की है पून हैंग सेंग ने और एडिट किया है इस मूवी को एनजी लैम ने म्यूजिक किया है कनफू हसल मूवी का रेमोंड वांग ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स फिल्म प्रोडक्शन एरिया स्टार ओवरसीज बेजिंग फिल्म स्टूडियोज़ तहाय फिल्म इन्वेस्टमेंट चाइना फिल्म ग्रुप हुआई ब्रदर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया कणफू हासिल मूवी को हुआई ब्रदर्स ने कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी थ्री दिसंबर टू थाउजेंड फोर रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी एट मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कुफू हसल मूवी का बजट ट्वेंटी मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने वन हंड्रेड फोर पॉइंट नाइन मिलियन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात की जाए करेक्टर्स की बात की जाए तो लीडिंग रोल में स्टीफन चौ ने सिंह का कैरेक्टर निभाया है डैनी चैन क्वाक, क्वार ने ब्रदर सम का कैरेक्टर निभाया है जवीन कोई ने दैंड लेडी का कैरेक्टर निभाया है यूएन वाह ने लैंड लॉर्ड ऑफ फिक्सटी एले का कैरेक्टर निभाया है सुई लंग नेता बीस्ट का कैरेक्टर कनफू हसल मूवी में निभाया है उसके आगे भी काफ़ी आपको कोएक्ट्रेस इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे इस मूवी का जॉनर एक्शन और कॉमेडी मूवी है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है और ख़ास तौर पर चाइनीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है स्टीफन चौ ने डायरेक्ट किया है लीडिंग रोल में भी वही देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है डायरेक्शन के साथ साथ कमाल का एक्टिंग भी आपको उनका इस मूवी में देखने को मिल जाएगा को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप कुफू हसल मूवी में देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया अच्छी स्टोरी है इस मूवी की यह मूवी टेंथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हाइस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन लैंग्वेज की फ़िल्म है जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2004 में काफ़ी अच्छा अर्निंग बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था बड़ी मूवीज़ में इसका नेम आता है आई रेटिंग की बात की जाए तो कणफू हसल मूवी को आई पर सेवन पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला हुआ है लगभग वन लैक फोर्टी फाइव थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है कनफू हसल मूवी को इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो एंड एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी एंड एक दो और ही प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको यह मूवी मिल जाएगी तो जरूर से देख लेना काफ़ी अच्छा मूवी है आपको जरूर से पसंद आएगा आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुनफू हसल मूवी के बारे में कनफो हसल मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कनफ़ू हसल मूवी के फ़ैन हैं सो तो अगर आप भी कनफ़ू हसल मूवी को देखना चाहते हो तो आज का इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कुंडफू हसल मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आई पर कितना रेटिंग कुनफू हसल मूवी को मिला हुआ है एंड कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में हम इस मूवी के बारे में बताएंगे साथ ही साथ ही के साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी के जो टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कणफ़ू हसल मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्हाँ लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं फुल डिटेल में आपको पता चल पाएगा कितने बजट में कण्फू हसल को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कनफू असल मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन चौह ने स्टीफन चौह एक हांगकांग फिल्म मेकर हैं जिन्होंने के वेल नोन फिल्म शाओलिन सॉकर और कनफू हसल को बनाया है स्क्रीन प्ले लिखा है कनफू हसल मूवी का स्टीफन स्टीफन चौ ने एग्जिन ने चैन मैन क्योंगने एड टसांग कान ने स्टोरी लिखी है खुनफू असल मूवी के स्टीफन चौ ने प्रोड्यूस भी इस मूवी को किया है स्टीफन चौ ने पो चू चू ने जेफरे लाओ ने एंड जेम्स वांग ने और इस मूवी में लीडिंग रोल पर भी, आपको स्टीफन चौ देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डैनी चैन देखने को मिल जाते हैं जून वाह देखने को मिल जाते हैं जुन कोई देखने को मिल जाते हैं एबा हुआंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमेटोग्राफी की बात की जाए तो कुंडफू हसल मूवी में सीमाइटोग्राफी की है पून हैंग सेंग ने और एडिट किया है इस मूवी को एनसी लैम ने म्यूज़िक किया है कुंडफू हसल मूवी का रेमोंड वांग ने प्रोडक्शन कंपनीज़ से इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स फिल्म प्रोडक्शन एरिया स्टार ओवरसीज बेजिंग फिल्म स्टूडियोज़ तहाई फिल्म इन्वेस्टमेंट चाइना फिल्म ग्रुप हुआई ब्रदर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया कुंफू हसल मूवी को हुआई ब्रदर्स ने कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी थ्री दिसंबर टू थाउजेंड फोर रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी एट मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कनफू हासिल मूवी का बजट ट्वेंटी मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने वन हंड्रेड फोर पॉइंट नाइन मिलियन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था कास्ट की बात की जाए करैक्टर्स की बात की जाए तो लीडिंग रोल में स्टीफन चौ ने सिंह का कैरेक्टर निभाया है डैनी चैन क्वाक, क्वार ने ब्रदर सम का कैरेक्टर निभाया है जुइन कोई ने दैंड लेडी का कैरेक्टर निभाया है जुइन वाह ने लैंड लॉर्ड ऑफ फिक्सटी एल का कैरेक्टर निभाया है लियोंग सुई लंग ने द बीस्ट का करेक्टर कनफू हसल मूवी में निभाया है उसके आगे भी काफ़ी आपको कोएक्ट्रेस इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे इस मूवी का जॉनर एक्शन और कॉमेडी मूवी है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है और ख़ास तौर पर चाइनीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है स्टीफन चो ने डायरेक्ट किया है लीडिंग रोल में भी वही देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है डायरेक्शन के साथ साथ कमाल का एक्टिंग भी आपको उनका इस मूवी में देखने को मिल जाएगा को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप हसल मूवी में देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया अच्छी स्टोरी है इस मूवी की यह मूवी टेंथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हाईएस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन लैंग्वेज की फ़िल्म है जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2004 में काफ़ी अच्छा अर्निंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था बड़ी मूवीज़ में इसका नेम आता है आई रेटिंग की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी को आई पर सेवन पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला हुआ है लगभग वन लैक फोर्टी फाइव थाउजेंट लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है खनफू हसल मूवी को इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी एंड एक दो और प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको यह मूवी मिल जाएगी तो ज़रूर से देख लेना काफ़ी अच्छा मूवी है आपको ज़रूर से पसंद आएगा आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कनफू हसल मूवी के बारे में कनफू हसल मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कनफ़ू हसल मूवी के फ़ैन हैं सो so, अगर आप भी गणफ़ हसल मूवी को देखना चाहते हो तो आज का इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किनफो हसल मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आई पर कितना रेटिंग कुनफू असल मूवी को मिला हुआ है एंड कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में हम इस मूवी के बारे में बताएंगे साथ ही साथ ही के साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी के जो टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कनफू असल मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया इस मूवी को किन्नों ने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं फुल डिटेल में आपको पता चल पाएगा कितने बजट में कणफ़ू हसल को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कणफू हसल मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन चौह ने स्टीफन चौह एक हॉन्गकॉन्ग फिल्म मेकर हैं जिन्होंने के वेल नोन फिल्म शाओलिन सॉकर और कनफू हसल को बनाया है स्क्रीन प्ले लिखा है कनफू हसल मूवी का स्टैफन स्टीफन चौ ने एग्जिन ने चैन मैन क्योंग ने एंड टसांग कान च्योंग ने स्टोरी लिखी है कनफू असल मूवी के स्टीफन चौ ने प्रोड्यूस भी इस मूवी को किया है स्टीफन चौ ने पो चू चू ने जेफरे लाउ ने एंड जेम्स वांग ने और इस मूवी में लीडिंग रोल पर भी आपको स्टीफन चौ देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डैनी चैन देखने को मिल जाते हैं यूएन वाह देखने को मिल जाते हैं जून कोई देखने को मिल जाते हैं एबा हुआंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी में सन्माइटोग्राफी की है पून हैंग सैंग ने और एडिट किया है इस मूवी को एन सी लैम ने म्यूजिक किया है गुणफू हसल मूवी का वांग ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स फिल्म प्रोडक्शन एरिया स्टार ओवरसीज बेजिंग फिल्म स्टूडियोज़ तहाय फिल्म इन्वेस्टमेंट चाइना फिल्म ग्रुप हुआई ब्रदर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया कणफू हासिल मूवी को हुआई ब्रदर्स ने कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी थ्री दिसंबर टू थाउजेंड फोर रनिंग टाइम में इस मूवी का नाइन्टी एट मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी का बजट ट्वेंटी मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने वन हंड्रेड फोर पॉइंट नाइन मिलियन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था कास्ट की बात की जाए करैक्टर्स की बात की जाए तो लीडिंग रोल में स्टीफन चौ ने सिंह का कैरेक्टर निभाया है डैनी चैन क्वाक क्वार ने ब्रदर सम का कैरेक्टर निभाया है जुवेन कोई ने लैंड लेडी का कैरेक्टर निभाया है जुवेन वाह ने लैंड लॉर्ड ऑफ फिक्सटी एले का कैरेक्टर निभाया है ल्यूंग सुई लंग ने द बीस्ट का कैरेक्टर कनफू हसल मूवी में निभाया है उसके आगे भी काफ़ी आपको कोएक्ट्रेस इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे इस मूवी का जॉनर एक्शन कॉमेडी मूवी है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है और ख़ास तौर पर चाइनीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है स्टीफन चौ ने डायरेक्ट किया है लीडिंग रोल में भी वही देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है डायरेक्शन के साथ साथ कमाल का एक्टिंग भी आपको उनका इस मूवी में देखने को मिल जाएगा को एक्टर्स का भी अच्छा काम आप आपू हसल मूवी में देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया अच्छी स्टोरी है इस मूवी की यह मूवी टेंथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हाइस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन लैंग्वेज की फ़िल्म है जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2004 में काफ़ी अच्छा अर्निंग बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था बड़ी मूवीज़ में इसका नेम आता है आई रेटिंग की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी को आई पर 7.7 पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला हुआ है लगभग वन लैक फोर्टी फाइव थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है कनफू हसल मूवी को इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी एंड एक दो और ही प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको यह मूवी मिल जाएगी तो ज़रूर से देख लेना काफ़ी अच्छा मूवी है आपको ज़रूर से पसंद आएगा आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुंडफू हसल मूवी के बारे में कुंडफू हसल मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कुंडफू हसल मूवी के फ़ैन हैं सो तो अगर आप भी कुंडफू हसल मूवी को देखना चाहते हो तो आज का इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कुफू हसल मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताएँगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आई पर कितना रेटिंग खनफू असल मूवी को मिला हुआ है एंड कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में हम इस मूवी के बारे में बताएंगे साथ ही साथ ही के साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी के जो टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कनफू असल मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्ों ने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं फुल डिटेल में आपको पता चल पाएगा कितने बजट में कनफू हसल को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन चौह ने स्टीफन चौह एक हांगकांग फिल्म मेकर हैं जिन्होंने के वेल नोन फिल्म शाओलिन सॉकर और कनफू हसल को बनाया है स्क्रीन प्ले लिखा है कनफू हसल मूवी का स्टीफन चौ ने हु एग्जिन ने चैन मैन क्योंग ने एंड टसांग कान च्योंग स्टोरी लिखी है कनफू असल मूवी के स्टीफन चौ ने प्रोड्यूस भी इस मूवी को किया है स्टीफन चौ ने पो चू चू ने जेफरे लाओ ने एंड जेम्स वांग ने और इस मूवी में लीडिंग रोल पर भी, आपको स्टीफन चौ देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डैनी चैन देखने को मिल जाते हैं जुएन वाह देखने को मिल जाते हैं जुन कोई देखने को मिल जाते हैं एबा हुआंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कुंडफू हसल मूवी में समाइटोग्राफी की है पून हैंग सैंग ने और एडिट किया है इस मूवी को एन लैब लैम ने म्यूज़िक किया है कुंडफू हसल मूवी का रेमोंड वांग ने प्रोडक्शन कंपनी है इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स फिल्म प्रोडक्शन एरिया स्टार ओवरसीज बेजिंग फिल्म स्टूडियोज़ तहाय फिल्म इन्वेस्टमेंट चाइना फिल्म ग्रुप हुआई ब्रदर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया कणफू हासिल मूवी को हुआई ब्रदर्स ने कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी थ्री दिसंबर टू थाउजेंड फोर रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी एट मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी का बजट ट्वेंटी मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने वन हंड्रेड फोर पॉइंट नाइन मिलियन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात की जाए करैक्टर्स की बात की जाए तो लीडिंग रोल में स्टीफन चौ ने सिंह का कैरेक्टर निभाया है डैनी चैन क्वॉक क्वार ने ब्रदर सम का कैरेक्टर निभाया है जवीन कोई ने दैंड लेडी का करैक्टर निभाया है यूएन वाह ने लैंड लॉर्ड ऑफ फिक्सटी <गे>। एले का कैरेक्टर निभाया है ल्यूंग सुई लंग ने द बीस्ट का कैरेक्टर कनफू हसल मूवी में निभाया है उसके आगे भी काफ़ी आपको कोएक्ट्रेस इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे इस मूवी का जॉनर एक्शन और कॉमेडी मूवी है काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है और ख़ास तौर पर चाइनीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है स्टीफन चो ने डायरेक्ट किया है लीडिंग रोल में भी वही देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है डायरेक्शन के साथ साथ कमाल का एक्टिंग भी आपको उनका इस मूवी में देखने को मिल जाएगा को एक्टर्स का भी अच्छा काम आप आपू हसल मूवी में देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया अच्छी स्टोरी है इस मूवी की यह मूवी टेंथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हाइस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन लैंग्वेज की फ़िल्म है जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू में काफ़ी अच्छा अर्निंग बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था बड़ी मूवीज़ में इसका नेम आता है आई रेटिंग की बात की जाए तो कनफू हसल मूवी को आई पर सेवन पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला हुआ है लगभग वन लैक फोर्टी फाइव थाउजेंट लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है कनफू हसल मूवी को इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो एंड अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी एंड एक दो और प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको यह मूवी मिल जाएगी तो ज़रूर से देख लेना काफ़ी अच्छा मूवी है आपको जरूर से पसंद आएगा आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना